देखो यही मतलब खाना पीना रहना सहना देख रहे हो से अपने बर्तन जो है साफ कर रहे हैं। ये क्या है, सोडा है? सोडा कि मतलब साबुन वगैरह यूज नहीं करते हो? सोडा लाऊं तो बाबू साबुन नहीं यूज करते। और गाइस आज का मतलब दिन जो है ना अच्छा भी रहा और कुछ ऊपर नीचे भी हो गया, एक कांट एक हो गया था वो बताया। ये बात है कि मेहमान जो है भगवान से ऊपर होते हैं तो कब भगवान। अच्छा तो इस घर में आप अकेले रहते हो? हाँ बुरी है, दो है। अच्छा बस दो ही हो? वन टू थ्री ऑल राइट। सो गाइस व्हाट्सअप एवरीबॉडी, तो कैसे आप सब, आई होप क्या सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो गाइस आज की जो दिन की शुरुआत है कुछ इस तरह की जगह से कर रहे हैं यार, मैन हाईवे पे ना हम व्लॉग जो है स्टार्ट कर रहे हैं कि यही ना हो पीछे वाला गाड़ी वाला आके हम दोनों को ठोक दे यार, फिर दोनों का काम जो है तमाम हो जाए। तो आज हम मतलब नेपाल का स्लम एरिया जो है ना वो देखने जा रहे हैं, देखते हैं यार वहाँ पे मतलब लोग कैसे रह रहे हैं, क्या है क्या नहीं, कितनी गरीबी है यार कितनी नहीं। गाइस अभी हमें 5 से 6 किलोमीटर लगेंगे स्लम एरिया में जाने के लिए, और उसके पहले हम कुछ खा पी लेते हैं और साथ में अपनी ना वीडियो अपलोड कर देते हैं। खाने का तो बहाना है, हमें तो वाईफाई चाहिए यार, क्योंकि वाईफाई के बिना तो वैसे भी ज़िंदगी अधूरी है। रात को वाईफाई था नहीं यार, तो बिना टेंशन में मतलब क्या चीज़ यूज़ करें यार। तो बाकी अब शॉप पे चलते हैं, खाने के बहाने से वाईफाई भी मिल जाएगा। तो उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैं भी आज से ना मतलब 3 दिन से मैं भी वर्ल्ड ट्रैवलर बन चुका हूँ, दुनिया घूमने के लिए निकला हूँ। अगर आपको दुनिया देखनी है कुछ नहीं करना है यार, क्या करना है? सब्सक्राइब। कैसे करना है? ऐसे गफार भाई की तरह वो बोलते हैं ना कि ऐसे करना है। तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो गाइस अभी हमने कुछ इस तरह के होटल पे जाके यार ब्रेकफास्ट वगैरह किया, चाय वगैरह पी और आराम से वाईफाई भी मिला, क्योंकि आपको पता है वाईफाई मिलना बहुत ज़रूरी है, वाईफाई और चाय नेपाल में ये चीज़ बहुत है। और धूप भी आज ना मौसम अच्छा हो गया है। देख रहा है डर लग रहा है यार, सांप देख रहा अच्छे से यार। तो गाइस अभी हम कुछ इस तरह की जगह पे आ चुके हैं, आपको जैसे पीछे पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं, और ये गोदावरी का ब्रिज है यार, तो काफ़ी पुराना है। तो देखते हैं कि बोल रहे थे भैया कि मतलब ये फेमस है, ये फेमस टिकटॉक की वजह से ज़्यादा फेमस है। और बाकी इसके साइड में आप देख रहे हो नेपाल का जो फ्लैग है वो दिख रहे हैं, और अभी कुछ टिकटॉकर मुझे दिख रहे हैं शायद, कैमरा वगैरह DSLR सब पास में है। तो करते हैं बात इनके मतलब स्लम एरिया में भी तो जाना है, लेकिन इस पहले पुल के बारे में बात करते हैं। तो भैया आप मुझे ये बताओ कि ये इस पुल के बारे में आप कुछ बता रहे थे। ये पहले इसमें गाड़ियाँ चलती थी। हाँ जी। आज से करीबन 40-45 साल हो गए। अच्छा तो अभी ये बंद हो गया फिलहाल, दूसरा बन गया है। तो ये किस चीज़ के लिए मतलब ये वायरल क्यों है, आप बोल रहे थे कि ये काफ़ी वायरल है? ऐसी है नॉर्मली लोग आते हैं घूमते हैं, ये ऐसी जगह है कि ये पवित्र धाम है, गोदावरी बोले तो यहाँ अच्छे काम भी होते हैं, आदमी के लाश भी चलाए जाते हैं, सब कुछ है, ये एक धाम बोला जाता है इसको पवित्र धाम। अच्छा। इसके लिए अभी फेमस है, काफ़ी सारे जगह से आते हैं यहाँ, इंडिया से भी बहुत सारे। म्यूजिक वीडियो भी होता है इधर। एक साल से मैंने तो मैंने इंडिया में से देखा 19-20 मिलियन व्यूज आता है। हिमाचल कश्मीर के लोग भी यहाँ तक आते हैं, काफी सारे लोग आते हैं इंडिया से यहाँ घूमने के लिए, और बहुत दूर दूर से आते हैं कश्मीर के। कश्मीर दिल्ली देखा था आप लोग, आप तो अभी दिख रहे, इससे पहले भी मुझे काफी लोग कश्मीर वाले मिले थे। जैसे कि गाइस आपको मैंने बोला था कि आज हम स्लम एरिया में जा रहे हैं, तो फाइनली हम आ चुके हैं स्लम एरिया में। और ये आंटी आपको दिख रहे हैं पीछे, इनका घर है। तो नमस्ते आंटी। नमस्ते बाबू। क्या नाम है आपका? हमारा पूरन थापा। तो ये बच्ची आपकी है? हाँ आपकी है। पोती है, तो, पोती। अच्छा पोती है। आप यहाँ पे कितने लोग रहते हो इस घर में? इस घर में पोती जो कितने, क्या बोला? दो लोग। अच्छा दो। तो गाइस अभी मैं इनका ना घर दिखाता हूँ और इनका रहन सहन आपको देख रहे हो कि मतलब घर कैसा था, फिर आप भी अंदाज़ा लगा लेना कि कैसे दिन निकलते होंगे इनके। तो गाइस अभी ये देख रहे हो कुछ इस तरह का घर है इनका यार, ये टीन वगैरह ऊपर भी टीन है और नीचे भी इस साइड में भी टीन है। और अभी मैं अंदर से दिखा देता हूँ इनका जो घर है, ये देख लो गाइस, जहीं पर इनका खाना पीना होता है इसी जगह, और यहीं पर ये सोते हैं देख रहे हो, बस यही जगह है और यहीं पर दो लोग रहते हैं। अब देख रहे हो यार ये कुछ इस तरह के घर हैं यहाँ पे, और इस तरफ भी घर हैं। आज जाएंगे सबके घर पे यार, देखते हैं कि इनका रहन सहन कैसा है, खाना पीना कैसा है, और देखते हैं यार ट्राई करते हैं इन सबसे बात करने के, और इनका जो है ना घर भी दिखाएंगे आप।
तो गाइस अभी हम कुछ इस तरह के घर पे आ चुके हैं, ये सामने आपको ये घर दिख रहे हैं, ये यहीं पे रहते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा। अच्छा, ये घर आपका, ये इधर ही रहते हो? अच्छा, इधर कौन रहता है? ये आप इधर रहते हो? पक्की बात है? घर दिखाओ ना फिर आप अपना। मैं तो आज इधर ही रहूंगा यार आपके साथ, यार खेलूंगा आज पक्का। अच्छा अच्छा गाइस, ये रहा यार कुछ इस तरह का घर इनका। चलो ना यार दिखाओ ना, मैं इधर ही रहूंगा आपके साथ, मैं आपका भाई हूँ यार। ये देख लो गाइस यार, ये कुछ इस तरह का घर है इनका और यहीं पे रहन सहन देख रहे हो। और बाकी अच्छा, ये सामने वाशरूम है। ये वाशरूम, ये गाइस इनका वाशरूम आ गया। और किचन बेटा कहाँ पे है? किचन आपकी इधर। अच्छा, इधर किचन है। चलो किचन भी दिखा देते हैं गाइस। ये आगे इनकी किचन, ये देखो गाइस यहाँ पे ये चूल्हा भी है, सिलेंडर भी है, गैस भी, और ये यहाँ पे चूल्हा है देख रहे हो, यहाँ पे भी बनाते हैं क्योंकि यार ठंड का माहौल होता है ना, तो इसलिए ये कुछ इस तरह की इनकी किचन है। और गाइस अभी हम कुछ इस तरह के घर पे आ चुके हैं, ये दूसरा घर है, इधर आ जाओ छोटे। अच्छा, ये किसका घर है? मेरा बाजे का। बाजे का? यहाँ तो यहाँ पे है कोई नहीं, कहाँ गए? वो बाजे धनगढ़ी गए। धनगढ़ी गए, चलो दिखाओ फिर। चलो अच्छा अच्छा, ये आ गई गाइस इनकी किचन यार, ये यहाँ पे दूसरे घर में आए हुए हैं। ये देख रहे हो यार इनका रहन सहन ऐसे ही होता है यार ये नेपाल में, तो देख रहे हो मतलब गाँव की लाइफ स्टाइल यार ऐसे ही है, क्योंकि पूरा स्लम एरिया यार ये, बिल्कुल भी ऐसे ही आपको घर मिलेंगे यहाँ पे। देखो यही मतलब खाना पीना रहना सहना देख रहे हो। फैन, बट फैन भी लगा, गर्मी होती है यहाँ पे। ये दूसरा रूम आ गया। इसका भी लगा हुआ। अच्छा, ये बंद है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो गाइस अभी थोड़ा और घर में चलते हैं, देखते हैं। अच्छा अच्छा, और ये देख लो गाइस एक ये घर है, बट यहाँ पे कोई है नहीं है। अब ये पता नहीं कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए, देख लो गाइस। गाइस अभी हम यहीं पे ही हैं, घूम रहे हैं, और ये कुछ बच्चे लोग हैं, ठीक है? क्या नाम है आपका भैया? भरत। आपका? लक्ष्मण। अच्छा, मुझे ये बताओ, मेरे पास पैसे नहीं है, इंडिया से हैं, बहुत कम पैसे, तो मैं सोच रहा हूँ यार आज मैं इधर ही रहूँ, रह सकते हैं? रह सकते हैं, मजा से क्यों नहीं, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, मेहमान होते हैं भगवान से। अच्छा, तो ऊपर होते हैं? हाँ, ये बात है कि मेहमान जो है भगवान से ऊपर होते हैं। तो बच्चे क्या नाम है आपका? सुशांत। मैं इधर रहूँ, साथ में खेलेंगे आज हम रात, गेम खेलेंगे, जो खेलना आपको खेलेंगे साथ में, ठीक है? पक्की बात रहूँ? यार गाइस ना सच में यार 4 दिन हो गए ना, नेपाल के लोग ना बहुत ज्यादा अच्छे हैं यार, मतलब बोलोगे ना तो मना नहीं करेंगे यार, नहीं रहना है क्या, मतलब बहुत हेल्पफुल लोग हैं यार। गाइस ना अभी यार आंटी ना अपने बर्तन वगैरह मतलब क्लीन कर रहे थे, साफ कर रहे थे, ठीक है? मैं अभी दिखा देता हूँ कि वो किससे कर रहे थे, क्या है क्या नहीं। ये देख रहे हो आंटी, इससे अपने बर्तन जो है साफ कर रहे हैं। ये क्या है? सोडा है? सोडा कौन? आंटी मतलब साबुन वगैरह यूज नहीं करते हो? बाबू साबुन नहीं यूज करते? अच्छा, किन्हें तो उन्होंने मुझे सोडा ही लगाने बनाया। अच्छा अच्छा, समझ तो नहीं आई। चलो ठीक है, तो चलो आज आंटी आप अपना घर दिखा दो हमें, आप कैसे रहते हो, क्या खाना पीना है, क्या बाबू ते से मन से कोई से ना। आप अकेले रहते हो यहाँ पे? सिर्फ एक ही? तीन छोर से ना नहीं। अच्छा, बुढ़ा बित्या हो ना जी, अब ये घर दिए सोचिए अद लगाए। अच्छा अच्छा, तो गाइस अभी आप देख सकते हो ये है आंटी जी का घर, जो कि जिनसे अभी हमने बात की। अब ये देख सकते हो यार ये ऊपर मतलब ऐसे लग रहा है कि बहुत कमज़ोर होगा, लेकिन कमज़ोर नहीं है यार, ठीक ठाक है, अच्छा है। तो इसके अंदर भी चलते हैं, चलो यार इसके अंदर चलते हैं हम। ये लो गाइस यार यहाँ पे हम आ गए, देख रहे हो ऐसी किचन है यार यहाँ पे, माशाल्लाह, मतलब जज्बा यार इन लोगों में ना, बहुत जज्बा यार यहाँ पे रहते हैं, खाना पीना यार देख रहे हो। गाइस अभी यहाँ इस घर पे आ चुके हैं यार, यहाँ पे ना दरवाजे वगैरह बिल्कुल बंद है यार, कोई दिख नहीं रहा, देख रहे हो इस तरह के घर हैं यार। ये इनके ना बकरी वगैरह, ये इनकी यही बांध के रखी है, लेकिन घर वाले इधर नहीं है। तो गाइस अभी ना इस घर पे आ चुके हैं, तो शुक्रिया कि मतलब इन्होंने इजाज़त भी दे दी कि वीडियो भी बना लो। और एक और अच्छी बात ये कि हिंदी आती है इनको, तो नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम धनबहादुर भाट है। अच्छा तो इस घर में आप अकेले रहते हो? हाँ, एक बुढ़ी है, एक मैं, दो है। अच्छा बस दो ही हो? हाँ। तो कौन भी तेरी? आपके साथ आपकी खिदमत करूँगा मैं। हाँ रह जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो मैं दिखाता हूँ इनका घर। गाइस मैं सोच रहा हूँ मैं भी इनके साथ ही रह लूँ, क्योंकि बहुत अच्छी लाइफ होती है ऐसे। देख रहे हो कुछ इस तरह का घर है इनका यार। और ये देखो गाइस यार, ये देख रहे हो यहाँ पे ना। तो गाइस के सिर्फ ना दो लोग रहते हैं यार, तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी यहाँ पे रह जाता हूँ। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा अंकल से बात करके भी। अंकल ने भी मतलब हिंदी में बात की और अच्छे से की, तो चलो शुक्रिया अंकल का। तो गाइस अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरह की जगह पे आ चुका हूँ। ये है ना, ये आपको सामने बफेलो दिख रही है, ये इनका घर है बफेलो वालों का। और ये देख रहे हो ये बकरी है छोटी छोटी, और ये घर के इधर ही यहाँ पे। नमस्ते, कैसे हो? ठीक है। हिंदी आती है आपको? हिंदी नहीं आती? अच्छा अच्छा अच्छा। ये क्या चीज़ है? ये ना आप ये घास ही, और ये बफेलो जो है इनको क्या बोलते हैं आप? भैंस? भैंस, हम भी भैंस बोलते हैं। ठीक है। अच्छा ये उनका चारा है, उनका खाना है अंदर से। अच्छा ये देख सकते हो कुछ इस तरह का घर है यार यहाँ का। लकड़ वगैरह ऊपर डाल के रखी है, देख रहे हो लाइट वगैरह कहाँ से ऑन होगी। और ये इस रूम में चलते हैं यार। ये देखो यार सब पुराना सिस्टम है यार ये यहाँ का, मतलब हमारे साइड में भी ये चीज़ जो होती है ना। और ये आपको इनका बेडरूम दिख रहा है, यहीं पे सोते वगैरह इधर ही है ना? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे बीजेपी का झंडा इधर भी है। हाँ। अच्छा ये मूर्ति वगैरह। ठंड है इस टाइम? कितनी ठंड पड़ती है इधर तो, बहुत ज़्यादा, बहुत ठंड है। चलो और गाइस इस सीढ़ी से ना हम ऊपर चढ़ के आए थे। हाँ ये देख रहे हो लकड़ से बना के रखी है। हाँ लकड़ से। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और गाइस हम अतरिया से निकल के आ चुके हैं लगभग यार 25 किलोमीटर आगे। यहाँ तक हम लिफ्ट लेके ही आए यार, और इस टाइम ना कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं आ रही यार बिल्कुल। और जैसे कि आपको पता कि हम स्लम एरिया में गए थे यार, ठीक है, और वहाँ का थोड़ा शूट वगैरह करके थोड़ा एक सीन भी हो गया था। देखते हैं यार वो वीडियो में डालूं या नहीं डालूं, बताऊं उसके बारे में या नहीं। वो आगे जाके कहीं रुकेंगे, वहीं वीडियो जहाँ एंड करेंगे उसके बारे में बताएंगे। लेकिन गलत ही सीन हुआ यार, पहली बार। मतलब नेपाल के लोग बहुत अच्छे हैं यार, बहुत अच्छे, 3-4 दिन से ना मतलब बहुत हेल्पफुल हो गए। लेकिन आज थोड़ा सीन हो गया, लेकिन देखते हैं वो आगे जाके रुकेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे पहले मैं और रिहान भाई, फिर उसके बाद ना आपसे शेयर करते हैं। तो गाइस अभी हम चौमाला में पहुंच चुके हैं, और ये अभी होटल पे आए हैं। भूख बहुत ज़्यादा लगी है यार, तो हमने ना मतलब रोटी खानी थी यार, चावल तो मिल रहे थे 3-4 होटल में, लेकिन चावल नहीं खाने थे, रोटी खानी थी। तो फाइनली यार रोटी मिल गई है, तो अभी खाना वगैरह लगा दिया टेबल पे। तो ये आंटी बना रहे खाना, रोटी मिल जाए फिर कोई दिक्कत नहीं, चावल नहीं पसंद करते। देख लो गाइस यार ये रहा अपना खाना, ठीक है, ये मेरी प्लेट है, और ये आ गई रिहान भाई की प्लेट। ये है जो दाल है, और ये जो मिक्स वेज है, चटनी है, रोटी है, मूली है। गाइस खाना वगैरह खा के हम आराम से आ चुके हैं इस टाइम अपने रूम में यार। आज ना हम रूम में स्टे कर रहे हैं यार, तो मतलब 2 दिन हम रफ़ी भाई के घर पर रुके हुए, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा उनके मतलब घर पे रुक के उनसे मिल के, तो दिल से शुक्रिया उनका करते हैं। और गाइस आज का मतलब दिन जो है ना अच्छा भी रहा, और कुछ ऊपर नीचे भी हो गया, एक कांड एक हो गया था, वो बताएंगे नहीं अभी कि क्या हुआ क्या नहीं, उसके बारे में मतलब अच्छे से डिस्कस करेंगे जब यहाँ से जाएंगे, तो उसके बाद आराम से बात करेंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। बाकी आज का मतलब कुछ स्लम एरिया मैंने आपको बताया कि यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, क्या है क्या नहीं, तो मतलब अच्छे लोग हैं, ये नहीं यार बहुत हेल्पफुल लोग हैं नेपाल के। मतलब आज 4 दिन हो गए ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, मतलब हमें लिफ्ट वगैरह भी मिल रही है खाने को। मतलब अभी हमने खाना खाया तो 300 नेपाली बोल रहे थे, तो हमने बोला हम सिर्फ 200 ही देंगे, हमारे पास 200 ही हैं, तो बोला ठीक है कोई बात नहीं। वो भी क्यों रिहान भाई बहुत ज़्यादा भरपेट खाना दिया उन्होंने, और यार मतलब उनने बोला जितना खाना खाओ यार आराम से कोई बात नहीं है, ठीक है, आराम से भरपेट रोटी खाई है, मैंने थोड़ी सी कम खाई है, अरबाज भाई ने थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन भरपेट खाना खाया हमने, पेट भर के यार आराम से, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, इतने हेल्पफुल हो गए। बाकी रूम यार पिछले रूम से मतलब अच्छा है, नेपाली मतलब 500 में मिला हमें, इंडियन शायद लगभग 320 के लगभग होगा, ये रूम भी अच्छा है। तो छोड़ो यार आज के दिन को मतलब जो हो गया सो हो गया, उसको यहाँ से सुनते हैं और यहाँ से बाहर, क्योंकि यार हमारी जो जर्नी है ना काफ़ी दूर की, और
छोटी छोटी बातें तो वैसे भी होती रहती हैं, उनको छोड़ यार इतना सीरियसली नहीं लेंगे, क्यों रिखान भाई? बहुत ज़्यादा आज मूड इतना ज़्यादा ख़राब हुआ हम लोगों, लेकिन खाना चलो छोड़, खाना खाने के बाद में हमारा सच में मूड बिल्कुल फ्रेश हो गया, अब आराम से बस कल मिलते हैं। क्योंकि यार वाईफाई मिला हुआ ना इसलिए, तो आज अच्छे से हम ना वाईफाई पहले वीडियोज़ वगैरह अपलोड कर देंगे, जो भी काम होगा वो पूरा क्लियर कर देंगे। तो गाइज मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा यार वीडियो में, और प्लीज़ यार हर एक बंदा जो भी वीडियो देखेगा पहले कमेंट करना यार, उसके बाद बताना कि वीडियो कैसी लग रही है, क्या है क्या नहीं। तो जो भी वीडियो में कमी हो रही है वो आप हमें बताओ यार कमेंट में, बताओ कि इस चीज़ पे काम करो, जो भी कुछ बीच में गलती हो रही है तो बताओ, आपका फ़र्ज़ है यार। तो मेरा काम है कि मैं सीखूँगा इंशाल्लाह, जितना हो सके मैं और बेहतर होऊंगा, खुद को मतलब एक अलग लेवल पे लेके जाना है। तो गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही, आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय गाइज़।